After my completing my bachelor's degree, I worked as a site civil engineer for 2 years. So थोड़ा resource efficiency के regard मैंने 11 universities में apply किया था. Civil engineering firm में मैं as a consultant काम कर सकता हूँ. Also मैं management field में भी जा सकता हूँ. Honestly बताऊँ सबसे बड़ा challenge तो cooking है मेरे लिए. और देखो क्या लगता है part time job यहाँ पे मिलना easy है क्या तर? Hi guys, welcome back to Mumbai Car in Germany. मेरा नाम है Shraddha and I make videos about studies, work, life and basically everything about Germany. आज मैं खड़ी हूँ एक अनदर पब्लिक यूनिवर्सिटी हैमबर्ग में, विच इज़ नोन एज हाफन सिटी यूनिवर्सिटी. ये एक हैमबर्ग की और एक यूनिवर्सिटी है और मेरे साथ है आज अपना दोस्त तरुण. सो ये अपने वीडियो का हीरो है आज का. सो यस, सो तरुण, कैन यू प्लीज़ गिव योर इंट्रोडक्शन? हेलो, माई नेम इज तरुण, आई एम अ सिविल इंजीनियर. मैंने भगवान महावीर यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है. आई एम फ्रॉम सूरत, गुजरात. एंड आफ्टर माई कम्प्लीटिंग माई बैचलर्स डिग्री, आई वर्कड एज अ साइट सिविल इंजीनियर फॉर 2 years. सो इट इज़ माई शॉर्ट इंट्रोडक्शन. तेरा सबसे पहले ये यूनिवर्सिटी का कोर्स बताना, कौन सा कोर्स है तुम्हें? एक्चुअली मेरा कोर्स है रिसोर्स एफिशिएंसी इन आर्किटेक्चर मैनेजमेंट एंड प्लानिंग. इट कॉल्स रिप मास्टर कोर्स. माय गॉड, कोर्स का नाम ही इतना बड़ा है गाइस. यस, सो आगे हम लोग इसको और पूछेंगे अबाउट दिस कोर्स. नाउ इंटीग्रेटेड मास्टर्स कोर्स के बारे में थोड़ा सा बताएगा, क्या है एक्चुअली ये कोर्स? एक्चुअली इन दिस मास्टर कोर्स देयर आर 4 fields आर कवर्ड. फर्स्ट इज सिविल इंजीनियरिंग, सेकेंड इज मैनेजमेंट, थर्ड इज अर्बन प्लानिंग एंड फोर्थ वन इज आर्किटेक्चर. सो थोड़ा एक्सपोजर मेरे को ज़्यादा है यहाँ पे. सीखने को भी कुछ ज़्यादा बहुत मिल रहा है. और स्पेशली जो मेरे कलीग्स है वो सारे अराउंड 30 years के हैं और वो सेकेंड मास्टर कर रहे हैं. सो एज अ रिजल्ट इट इज़ अ गुड थिंग फॉर मी टू लर्न, आई मीन टू स्टडी इन दिस कोर्स. या क्योंकि मैं इंडिया मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया, वो सारा थियोरेटिकल बेस्ड था, बट यहाँ पे जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा रिसोर्स एफिशिएंसी के रिगार्डिंग है और मतलब कैसे एनवायरनमेंट को सेव करना है, मतलब पूरा सब थियोरेटिकल ना हो के बहुत मिक्सचर है. राइट, सो तुझे प्लानिंग मैनेजमेंट एवरीथिंग जैसे तूने बोला ये सब कैसे लग रहा है अभी तक का? कितने महीने पहले आया सबसे पहले? 3.5 महीने हो गए शायद. 3-3.5 महीने हो गए, दैट्स नाइस. सो एंड अप्लाई करने के लिए तूने सिर्फ ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज किया? व्हाई हैपन सिटी? मैंने 11 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस आई गॉट रिजेक्शन फ्रॉम ऑल ऑफ देम एंड आई ऑल्सो गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी एज वेल. बट आफ्टर सम टाइम दे रीजनरेटेड माई एडमिशन. Then I felt really good happiness. सच में समझ सकती हूँ. मतलब देखा 11 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई किया. इट इज़ ऑलवेज नॉट ईजी बींग अ सिविल इंजीनियर, तेरे पास एक्सपीरियंस होने के बाद एवरीथिंग, राइट? एक्चुअली मैंने थोड़ी मिस्टेक्स की थी, इसके वजह से मेरे को रिजेक्शन मिला. आई थिंक मैंने हॉफ में था मेरा, वो मतलब कन्फर्म था एडमिशन, यूनिवर्सिटी ऑफ स्वीकाओ में भी कन्फर्म था, बट एक्चुअली मेरे एजेंट से मतलब थोड़ी गलतियाँ हुई, थोड़ी मेरे से हुई, उसकी वजह से थोड़ा यही क्वेश्चन होता है कि हम लोग अप्लाई कर रहे नहीं हो रहा है. सो दिस इज द थिंग आई वांट टू टेल देम कि ऑब्वियसली वी नीड टू कीप पेशेंस. एब्सोल्युटली. और वी नीड टू कीप अप्लाइंग टू मेनी यूनिवर्सिटीज, राइट? इट्स नॉट कि 3-4 यूनिवर्सिटी लिया और हो गया. डिपेंड्स करता है आई थिंक CGPA पे, कि अगर आपके 9 or 9.5 CGPA है देन चांसेस ज्यादा है कि मिल जाए. तेरा कितना स्कोर था? मेरा 7.72 था, बट फिर मैंने जर्मन सीखा और ये सब कुछ मिला जुला के थोड़ा प्रोफाइल अच्छा हो गया था मेरा. क्या बात है, ये भी ना बात है. इसको थोड़ा ये यूनिवर्सिटी के बारे में बता, ये कोर्सेज कितने हैं, क्योंकि हाफन सिटी यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्सेज हैं? मतलब जितना नॉलेज मेरे को है इसके रिगार्डिंग 4 or 5 मास्टर कोर्स ये प्रोवाइड करते हैं. स्पेशली अगर सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग बात करूँ तो ये मतलब मैंने अगर मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो मैं रीप मास्टर कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ और ऑल्सो मैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ. एंड अगर मैं इन लोगों को अच्छा सा जस्टिफिकेशन दूँ तो शायद से मैं अर्बन प्लानिंग के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ. तो ये 3 मास्टर कोर्स के लिए
सिविल इंजीनियर आई मीन अलाउड है फॉर द एप्लीकेशन। यहाँ पे जो तूने सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में ऊपर जब हम लोग की थोड़ी बात हुई थी तभी तूने बताया था अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस एंड नॉट ओनली दैट अबाउट स्कॉलरशिप, तूने स्कॉलरशिप के लिए सोचा था क्या कुछ, कैसा है यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी में? हाँ, पहले सिलेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे ये लोग डाइवर्सिटी मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल दो इंडियंस या तीन इंडियंस होते हैं, बाकी सारी कंट्री के थोड़े थोड़े लोग हैं। अच्छा। बट स्पेशली अभी जो ईरान में चल रहा है इनके रिगार्डिंग, जर्मनी ईरान को सपोर्ट कर रहा है, सो अभी ईरानियन पीपल्स ज़्यादा आ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, आइदर या डाइवर्सिटी मेंटेन करते हैं पूरी। ओके। एंड स्कॉलरशिप? स्कॉलरशिप जितना मेरे को नॉलेज है इसके रिगार्डिंग, टू इयर्स का अगर एक्सपीरियंस हो और शायद से मैंने अगर फर्स्ट ईयर में अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे ग्रेड्स लाया, देन आई कैन मे बी गेट। मेरे को ज़्यादा नॉलेज इसके रिगार्डिंग है नहीं। बराबर नहीं, बट जो है वो तूने बताया, दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो, हम लोग कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते, बिकॉज ही ऑल्सो कम हियर टिल नाउ, अभी आया है 3-4 महीने पहले, तो उसने जो रिसर्च किया उसके हिसाब से ही ही इज टेलिंग यू गाइस। सो या, और जर्मनी में बहुत अच्छा वेदर आया है, समर स्प्रिंग की ऑलमोस्ट शुरुआत हो गई है हमारे यहाँ पे। कैसे लग रहा है तुझे अभी? वेदर इज गुड ना? मार्वेलस, मार्वेलस, ओ माय गॉड। सो यस, इसी के साथ दैट्स व्हाई हम लोग वॉकिंग भी कर रहे हैं। द वेदर इज गुड, इतना ठंडा नहीं है, ऑलमोस्ट 9 degrees है आई थिंक, सो ना 9 या 10 degrees है। सो या, कमिंग बैक तरुण, तेरे को और थोड़ा सताऊंगी मैं। तो तरुण, तेरे कोर्स का क्या स्कोप है यहाँ पे जर्मनी में? तेने कुछ तेरे सीनियर से बात की, तुझे क्या आइडिया मिला? मतलब मैंने सीनियर्स से पूछा तो उन लोगों ने इतना ही बताया मेरे को कि मैं कोई जैसे कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है, तो सिविल इंजीनियरिंग फर्म में मैं एज ए कंसल्टेंट काम कर सकता हूँ, हाउ टू इंक्रीज द रिसोर्स एफिशिएंसी, मतलब, और आल्सो मैं मैनेजमेंट फील्ड में भी जा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने थर्ड सेमेस्टर में डिसाइड किया कि मेरे को प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, देन आई कैन आल्सो गो फॉर दैट। सो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के रिगार्डिंग बहुत ओपन है, मतलब ओपन है यहाँ। दिस इज एक्चुअली गुड यार, मतलब तू एक एरिया से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड नहीं हूँ, एब्सोल्युटली। दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। सो और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को, देखो ये पूछना था कि व्हाट आर द चैलेंजेस जर्मनी आने के लिए, देखो क्या आने के बाद तेरे को क्या लग रहा है नई कंट्री में, क्या चैलेंजेस लग रहा है? ऑनेस्टली बताऊँ, सबसे बड़ा चैलेंज तो कुकिंग है मेरे लिए, क्योंकि मैं सब कुछ कर रहा हूँ यहाँ पे, कर भी सकता हूँ, बट वो कुकिंग थोड़ा हार्ड मेरे को लगता है, स्पेशली जॉब से आके सब कुछ करके फिर सोना मेरे को अच्छा लगता है, बट उसके टाइम पे कुकिंग करना होता है एक्चुअली। सो गाइस, कुकिंग घर से सीख के आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है दोस्तों। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जब इसने जॉब का बोला, द अनदर चैलेंज मुझे ये भी पूछना है यहाँ पे, सी तू पार्ट टाइम कर रहा है ऑलरेडी, तुझे सिर्फ इसको 3 months हुए यहाँ पे एंड ही हैज स्टार्टेड हिज पार्ट टाइम जॉब। मैंने तो 20 दिन पहले, मतलब 20 दिन आने के बाद ही स्टार्ट तो कर दिया था। दिस इज द बेस्ट पार्ट टू नो, तो सिर्फ इमीजिएटली ना 2-3 weeks में मिला उसको पार्ट टाइम जॉब, ही इज वर्किंग एज इन पार्ट टाइम, अपार्ट फ्रॉम दैट स्टडीज के ही टाइम निकाल रहा है, हार्ड वर्किंग अपने स्टूडेंट्स। सो और तूने जर्मन कितना सीखा तरुण? मैंने B1 तक सीखा है, बट यहाँ मतलब इंडिया मैंने जो सीखा था उसका लेवल, और यहाँ पे जो B1 यहाँ के जो लोग सीखते हैं वो लेवल में मेरे को बहुत डिफरेंस लगा, मतलब जो यहाँ से जो B1 सीखते हैं वो मतलब बहुत फ्लुएंसी से बोलते हैं, मतलब उसका अच्छे से मतलब कॉन्फिडेंस होता है, थोड़ा चेंज हो गया, एक्सेंट भी डिफरेंट मैटर करता है अपना। दिस इज वेरी गुड इनपुट एक्चुअली तरुण, ये तो बात है, बट ये B1 तक सीख के आया, दिस इज द रीजन वी टेल एवरीबॉडी जर्मन तो भाई सीख के आओ ही आओ, राइट? हाँ, मेरे फील्ड में अगर मेरे को एज अ प्रोफेशनल जॉब चाहिए देन जर्मन तो सीखना पड़ेगा मेरे को, मतलब B1 B2 चाहिए, B2 एक्चुअली। यही नहीं, और जितने भी लोग इसके फील्ड में आना चाहते हैं एंड नॉट ओनली जर्मनी आना चाहते हैं, वी वुड जस्ट रिकमेंड एवरीबॉडी जर्मन सीखो गाइस, इंपॉर्टेंट है। और देखो क्या लगता है, पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे मिलना इजी है क्या तरुण? कितना मतलब मिल जाता है सिटी वाइज? सबको मिलता है, सबको मिलता है। सो यस गाइस, सो डोंट वरी अबाउट पार्ट टाइम जॉब आने के बाद, बट इतना है कि आप लोग रेडी होना चाहिए हर जॉब करने के लिए, राइट? मतलब थोड़ा हार्ड वर्क करने के लिए रेडी होना चाहिए, बाकी मिल जाता है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यस गाइस। सो इसी नोट के साथ, हमारे हार्ड वर्किंग तरुण के साथ हम लोग ये वीडियो एंड करेंगे। सो तरुण, थैंक यू सो सो मच फॉर योर टाइम दोस्त, और तेरे को कुछ बोलना है लास्ट में? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मुंबई कर इन जर्मनी। यस, एंड बाय गाइस, टेक केयर।